बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आज एक और न्यू अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने पिक्चर को DSLR की तरह जो है बना सकते हैं, यानी कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अगर पिक्चर बनाते हैं तो वो भी आप जो है आपको ऐसा लुक देगा कि जैसे कि DSLR की मदद से जो है हमने कोई पिक्चर वगैरह क्रिएट की हो। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ये किस तरह अपने एंड्रॉयड मोबाइल से कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो आइए चलते हैं हमारे आज। टॉपिक की जाने सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद इसमें जो है सिंपली हमें सर्च करना है। जब प्ले स्टोर ओपन हो जाए तो उसमें सिंपली हमने सर्च करना है आफ्टर फोकस, आफ्टर फोकस। ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद सर्च बार में आपने सिंपली सर्च करना है आफ्टर फोकस। आफ्टर फोकस जो है एक बेहतरीन एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम जो है DSLR की तरह पिक्चर बना सकते हैं, फोटोग्राफी बना सकते हैं हमारे अपने स्मार्टफोन में। आप इसके जो देख सकते हैं, इसमें जो रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं कितने बेहतरीन इसमें रिव्यूज़ आए हुए हैं, और इसमें जो है 10 मिलियन इसकी डाउनलोड्स है, 4.2 इसकी जो रेटिंग है एप्लीकेशन की। ये एक बेहतरीन एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम जो है DSLR की तरह पिक्चर बना सकते हैं। तो सिंपली आपने इसे डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इसे जो है ओपन करना है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद आफ्टर फोकस का जो है मेन्यू हमारे सामने ओपन हो जाएगा, इसका जो व्यू है वो हमारे सामने आ जाएगा। इसमें जो है हम कैमरा की मदद से अगर पिक्चर वगैरह निकालना चाहें तो सिंपली हम कैमरा पे क्लिक करेंगे तो हम निकाल सकते हैं मोबाइल की कैमरा से। अगर हम एल्बम से उठाना चाहते हैं तो एल्बम पे क्लिक करके उठा सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट हमारे पास सेव है तो उसे प्रोजेक्ट वगैरह जो है उस में हम ओपन करके हम मदीद जो अपनी पिक्चर है उसे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सिंपली मैं जो है एल्बम से कोई पिक्चर उठाता हूँ, रिसेट में जाता हूँ। रिसेट में जाने के बाद मैं इस पिक्चर को ओपन करता हूँ। ओके, तो ये पिक्चर आप देखें, इसमें जो है कुछ इस तरह सा ये मोबाइल जो है मोबाइल की मदद से मैंने ये पिक्चर निकाली है। तो अब मैं इसको जो है DSLR में बनाना चाहता हूँ। इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कुछ टूल्स मौजूद हैं, अगर आप इस पर कुछ ड्राइविंग वगैरह करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसमें इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, पेंसिल है, रेज़र है, उसके अलावा जूम टूल है। अगर आप उसे हटा देंगे तो ये जूम नहीं होगा, अगर जूम टूल पे क्लिक करेंगे तो आप इस पिक्चर को जो है जूमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है आपको कुछ सेटिंग वगैरह करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने मज़ीद जो मेन्यूज़ है, ऑप्शन है, वो भी ओपन हो जाएंगे। इसमें ब्लर का ऑप्शन है, उसके बाद एपर्चर का है, उसके बाद फेडिंग, डीजी लेटर इफेक्ट वगैरह। तो इसमें ब्लर वगैरह को कम करें, ज़्यादा करें तो वो इसमें जो है आप कर सकते हैं। पिक्चर को ब्लर करना चाहें, कम करना चाहें तो वो इस ब्लर की मदद ऑप्शन में आप जाके आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फेदर की सेटिंग आप कर सकते हैं, मोशन ब्लर है, इसके अलावा जूम ब्लर है, अगर जूम ब्लर इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जूमिंग आ रही है पिक्चर की। तो इसमें जो है बेहतरीन आप DSLR की तरह की ही इमेज आप बना सकते हैं। सेट जूम सेंटर, अगर आप इसमें कोई सेंटर वगैरह एंटर करना चाहें तो वो आप जूमिंग सेंटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे सेट करें, सेट करने के बाद ओके क्लिक करें। उसके बाद अब जो भी आप इसे जूमिंग वगैरह लगाएंगे तो वो जो है यहाँ से जूम होगी। ये देखें, उसके बाद ये जूमिंग वगैरह, लेंस ब्लर वगैरह, ब्लर की सेटिंग करने के बाद सिंपली जो है हमें कोई और अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें, इसके अलावा ये एपर्चर का मज़ीद इसमें ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसमें ये लगाना चाहें तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी जो है बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं DSLR की पिक्चर में जब जो होते हैं वो सारी के सारे इफ़ेक्ट जो है आप इसमें अप्लाई करके आप बेहतरीन पिक्चर बना सकते हैं। इसके बाद फ़िल्टर है, फ़िल्टर में अगर फ़िल्टर तो सभी जानते होंगे, इंस्टाग्राम है, इसके अलावा मज़ीद जो और भी बहुत सारे पिक्चर्स वगैरह एडिटिंग में जो इस्तेमाल हो करते हैं लोग दोस्त, उन सभी को जो है इन्हें पता होगा इस फिल्टरिंग के बारे में कि फ़िल्टर क्या चीज़ है और ये कहाँ कैसे इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो है बेहतरीन फ़िल्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखें बेहतरीन है। उसके बाद फोरग्राउंड है, फोरग्राउंड में इस्तेमाल करना चाहें, बैकग्राउंड है, वॉल है, तो वो सारी की सारी इसमें बेहतरीन आप इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें विग्नेटिंग है, उसके अलावा कलर मास्क है, स्टिकर्स हैं और भी बहुत सारे इसमें जो है इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। आप इस्तेमाल करके अपने पिक्चर को एक बेहतरीन बना सकते हैं। उसके पिक्चर एडिट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद इसमें कोई भी पिक्चर आपने जो बनाई है तो वो आप इसमें जो है सिंपली तौर पर आप इसमें लगा के सेव कर सकते हैं, एक बेहतरीन इमेज आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करें, सेव पे क्लिक करने के बाद इसकी साइज़ भी आपको बेहतरीन मिलेगी। ये पिक्चर प्रिपे जो है प्रोसेसिंग हो रही है और सेव सक्सेसफुली। तो मैं गैलरी में पिक्चर को चेक करता हूँ कि ये पिक्चर कैसी बनी है। वाओ, ये देखें एक बेहतरीन DSLR की तरह आप पिक्चर बना सकते हैं। ये देखें सेम ऐसा लुक नज़र आ रहा है कि जैसे कि कोई हाई डेफिनेशन कैमरा की मदद से जो पिक्चर के कैप्चर किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो है एक बेहतरीन पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे YouTube के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।